हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉग और पूजा, और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आज मैं आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो वो है पटना का ब्लॉग है, और मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी को देखने के लिए पटना, क्योंकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है। और सारी बातें आपको वीडियोस के अंदर पता चल ही जाएगी क्या है कैसे है। सो हाय गाइस, मैं आई हुई हूँ अभी हॉस्पिटल में। मैं अपनी मम्मी से मिलने आई हुई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है। लेडीज़ प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन हुआ, वो मैं आपको घर पे जाकर आराम से बताऊँगी कि क्या है कैसा है। फ़िलहाल आप यहाँ पे मेरी मम्मी से मिल लीजिए। तो ये है मेरी मम्मी, तो यही है जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आई हूँ। और आज यही इतना परेशान है कि मैं क्या बताऊँ। मैं आपको घर चल के सारी चीज़ें बताऊँगी, डॉक्टर ने क्या बोला था क्या है। पर अभी मम्मी बिल्कुल ठीक है, 4-5 दिन हो गए हैं ऑपरेशन के। तो मैं आई थी मम्मी से मिलने के लिए, पटना आई हुई हूँ मैं। ये देखिए कैसा लग रहा है, मम्मी बताओ। ठीक है, पहले से बेटर है। मेरे सब्सक्राइबर से कुछ कहना है। मम्मी बॉडी ठीक है। तो गाइस, अभी तो मम्मी का जो हेल्थ है वो पहले से बेटर है, क्योंकि मम्मी डायबिटीज पर्सन है। तो डायबिटीज पर्सन है तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों को टेंशन बना हुआ है, क्योंकि डायबिटीज है तो ऑपरेशन हुआ है। तो लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सो चलिए, मिलते हैं आपसे जब हम घर चलेंगे, तब हम आप लोगों से बातें करेंगे। सबसे आई हुई है मम्मी को इंजेक्शन दवाइयाँ देने के लिए, क्योंकि उनकी दवाइयों में इंजेक्शन का टाइम हो चुका था, तो वो दवाइयाँ और इंजेक्शन दे रही, वही सब अभी फिलहाल चल रहा है। और यहाँ पे अभी आपको बगल में एक लेडी दिखेंगी जो कि बातें बातें कर रही हैं, तो वो मेरी बड़ी बहन है। तो अभी फ़िलहाल मम्मी के साथ वही सब चीज़ देख रही है और कर रही हैं। मम्मी के साथ वही लगी हुई, पिछले 2 महीने से, मतलब 15 अगस्त वाले दिन से हम लोगों को पता चला कि मम्मी को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और वो तब से लगी हुई है मम्मी के साथ ही। जितना भी डॉक्टर को देखना, हॉस्पिटल जाना करना, और मम्मी की देखभाल सब कुछ यही कर रही हैं। और मैं नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि मेरे 2 बच्चे छोटे हैं, मेरे हस्बैंड हैं अकेले हैं। अगर मैं चली जाऊँगी तो उन लोगों का कौन देखेगा, कौन करेगा। और मेरी दी के बच्चे बड़े हैं, इस कारण वो ज़्यादा मम्मी को देख रही है, और उनको पटना में ही वो रहती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो इसलिए सारी जिम्मेदारियाँ भी फ़िलहाल दी ही देख रही हैं। हम लोगों की फ़ोन पर बातें होती रहती है, हम लोग हमेशा दिन भर में 3-4 बार कॉल कर लेते हैं, पूछ लेते हैं मम्मी कैसी है नहीं है, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन टेंशन जो है वो बना हुआ है, डेफिनेटली बना हुआ है। तो फिलहाल यही सब चल रहा है।
गाइस ये मेरी दीदी है जो कि अभी मम्मी का यही ख्याल रख रही है, और हम लोग आए हुए हैं थोड़ा सा राहत के लिए। बेचारी हो रही चुड़ैल वाला चेहरा लेके, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में हम लोग हैं, तो फिर आप लोग समझ सकते हो कि हॉस्पिटल में रहने के बाद कोई मेकअप या फिर रेडी सेडी होकर नहीं रहता है। तो हम लोग आए हुए हैं कि थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं बाहर से, और हम लोगों को भूख भी लगी हुई थी, और थोड़ी देर में हम लोग चले भी जाएंगे क्योंकि बच्चों को मैं छोड़कर आई हूँ। तो कुछ बोलना है हम बोल रही है हम। और यहाँ पे हम लोग मार्केट जा रहे हैं मम्मी के लिए कुछ लेकर आने के लिए, और हमें भी भूख लगी हुई थी क्योंकि रास्ते में हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि हम दोनों कुछ खा पी लेंगे और उसके बाद मम्मी के लिए भी कुछ लेकर आएंगे। तो वही पानी का बॉटल वगैरह लेना था और मम्मी के लिए छेना वगैरह लेना था। और अभी मेरे हस्बैंड मम्मी के पास बैठे हुए थे तो हम और दी बाहर आ गए। यही है तो मम्मी के लिए से खाना नहीं है, तो मैं मम्मी को खाना खिलाने नहीं है सब्जी दिया। देखिए मेरे घर का बेटा है ये नहीं मैं बोले ना जाओ सुनो ना लास्ट में आना मेरे पास, सबको दे देगा ना पूरा बाड़ तब आना लेके, कुछ नहीं तो हम ले लेंगे ठीक। मेरे घर का वीडियो बना रहे हॉस्पिटल का घर का बेटा। और ये देखिए यहाँ पे मेरी मम्मी को डायबिटीज है, तो जिसके कारण ये जो रसगुल्ला है इसको अच्छे से बिल्कुल इसको जितने भी रस थे उसको पहले ही निचोड़ दिया था, उसके बाद इसको पानी से वॉश कर देते ताकि जितनी भी इसकी मिठास होगी वो निकल जाएगी। तो दीदी बना रही थी वीडियो, बोली कि जब दिखा दो कि लोग डायबिटीज पेशेंट को कैसे स्वीट्स दिया जाता है, स्वीट्स मतलब कि छेना कैसे दिया जाता है, हमारे यहाँ इसको छेना ही बोलते हैं। और यहाँ पे मम्मी का खाना आ गया था कैंटीन से, तो हम मम्मी को खाना खिला रहे हैं। और यहाँ पे दीदी मम्मी को हंसा रही थी, तो यहाँ पे मम्मी को हमेशा हंसाते रहते हैं ताकि उनका मूड जो है वो लाइट रहे, इसलिए दीदी बोल रही थी मम्मी को कि आएंगे आएंगे मेरे दो अनमोल रतन आएंगे, क्योंकि हम चार बहनें हैं तो हम दो तो पहुँच गए लेकिन दो बहुत दूर में, एक कोलकाता में एक दिल्ली में है, तो इसी के कारण दीदी ऐसा बोल रही थी। तो मम्मी को हंसी आ गई थी। ये है मम्मी का खाना है, भुजिया है आलू और भिंडी का, जो कि मम्मी आलू नहीं खाएगी, और ये फ्रेंच बीन की सब्जी है, दाल है, प्याज है और रोटी है। और ये हम छेना लेकर आए हैं, ये वाइट वाला रसगुल्ला को हमारे यहाँ छेना ही बोलते हैं। तो वही हम लोग खिला रहे हैं मम्मी को, हम लोग ने मैं ही खिला रही हूँ और मेरी दीदी मेरे लिए वीडियोस बना रही थी। मम्मी के साथ जो बिताया हुआ टाइम है वो हमारे साथ हमेशा के लिए रहे, इसलिए सुबह शुगर हाई था, शुगर लैब में करवाए, अथी में किट वाला किया ना, तो शुगर तो किट वाला में था कितना 134 की कुछ था, 200 कुछ था, और लैब में करवाए ना वही तुरंत एकदम तो ये 130 था। चलिए तो ठीक है, 37 है वो, 137 बहुत नहीं है, ठीक है। भाई सब फाइनली वक्त आ गया है कि अब मम्मी से मुझे विदा लेना पड़ेगा, क्योंकि रात के 8:30 बज रहे हैं अभी, और अब हम लोग निकल जाएंगे घर जाने के लिए, और मम्मी को डिनर वगैरह करवा दिया। अब हम वहाँ से निकल गए हॉस्पिटल से मम्मी के पास से, और ये हम लोग अपने घर जा रहे हैं, और ये फ़िलहाल अभी पटना ही है। वहाँ से निकलते वक्त मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मैं भी इमोशनल हो गई, मेरी दी भी इमोशनल हो गई, हम सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, बिकॉज़ ऐसा सिचुएशन है कि हम लोगों को खुद हिम्मत बहुत ज़्यादा जुटानी पड़ रही है। और मम्मी भी इमोशनल हो गई थी, तो फिर समझाया, बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, डॉक्टर ने भी बोला सब कुछ सही है और सब चीज़ ठीक है, हम लोग हैं, ऐसा कुछ समझा उमझा के खुद को भी संभाला, और हम लोग सभी ने एक दूसरे को संभाला। फिर मैं आ गई हूँ और अब हम घर जा रहे हैं, तो फिर आपको डायरेक्ट मिलूँगी घर जाने के बाद। सो गाइस
अब तक आप लोगों ने जितने भी क्लिप्स देखे होंगे वो हॉस्पिटल्स के देखे होंगे। तो आखिर मेरी मम्मी को हुआ क्या था, क्यों उनका ऑपरेशन हुआ, आज मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को, और डॉक्टर ने क्या क्या बोला था, क्यों हम लोग इतना डर गए थे। तो मेरी मम्मी को फीमेल प्रॉब्लम्स थी, साफ एंड क्लियर शब्द में बोले तो मेरी मम्मी को बच्चेदानी में सूजन था, जिसके कारण उनको ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी, औरतों वाली प्रॉब्लम हो रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि मम्मी को ऑपरेशन करना होगा, और एक नहीं दो ऑपरेशन करना होगा। उन्होंने बोला कि मम्मी को, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि मम्मी को कैंसर है। तो हम लोग ये सुनकर, मतलब कि हमारी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा, हम लोगों का हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका था, क्योंकि 2 महीने हो गए हैं। 15 अगस्त वाले दिन हम लोगों को ये पता चला कि मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है। मम्मी डायबिटीज़ पेशेंट है, तो हम लोगों को ये लगा कि जब मम्मी को शुगर है और मम्मी को ऑपरेशन होगा तो फिर क्या होगा, नहीं होगा। तो डॉक्टर से सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद पता चला कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑपरेशन होता वो लोग शुगर को कंट्रोल करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको वो चीज़ हो सकती है, या फिर उन्होंने तो इतना तक बता दिया था कि मैं श्योर हूँ कि इनको वही चीज़ है। हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। फिर मम्मी का एक छोटा ऑपरेशन हुआ था, 2-3 दिन पहले मम्मी का छोटा ऑपरेशन हुआ था, जिसमें उनका बॉडी का थोड़ा सा मांस ले जाकर मुंबई के लैब में उनका जाँच हुआ, और भगवान का शुक्र है कि मम्मी का जो वो रिपोर्ट था वो नेगेटिव आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत, मतलब कि हमारे घर में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मैं इस तरीके की चीज़ें हमारी फैमिली ने एक बार झेला हुआ, मेरी खुद की फैमिली में नहीं हुई, मेरे से जो बड़ी बहन है उनकी नंद के साथ ऐसा कुछ हुआ था। और वो चीज़ें, मतलब कि भगवान किसी को भी ना दे, ऐसी चीज़ होती है, और जो इंसान की उस वक्त की हालत होती बहुत बुरा होता है। और हमारे, मतलब कि उस वक्त जब तक रिपोर्ट्स नहीं आए थे, हमारी जो मेंटल स्थिति थी बस उसी टाइप की थी, हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें, क्या कैसे होगा, अगर ये चीज़ें हो गई तो फिर क्या होगा। बस हम लोग भगवान से दुआ कर रहे थे, और माता रानी ने सुन लिया, और हमारी जो मम्मी को था जो भी प्रॉब्लम, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारी रिपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव है। एंड ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम जो है वो अब भी ख़त्म हो गई, क्योंकि मम्मी को शुगर है, उनका शुगर हमेशा बढ़ा होता है ज़्यादातर, मतलब कि अगर कंट्रोल होता है तब तो ठीक रहता है, कभी 220 कभी 180 ऐसे होता, लेकिन उनका कभी इतना हो जाता है, उनको 450, 450, 350 ऐसे उनको शुगर रहता है। और जब से शुगर की प्रॉब्लम हुई है उनको, तब से वो उनकी बीपी भी हाई होती, पहले लो हुआ करती थी, अब बीपी भी उनकी हाई होती है। तो अभी तो डॉक्टर ने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, उन्होंने बोला है कि वो इंजेक्शन एक आता है जो कि लगा देने से अगर बीपी हाई है या शुगर हाई है तो वो लगा देंगे, तो वो शुगर कंट्रोल रहेगा। तो आज जब मैं वीडियोज़ बना रही, क्योंकि एक दिन तो जब मैं आई थी, परसों आई थी मैं, और कल मैं कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, रास्ते में मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मतलब कि वोमिटिंग वगैरह हो गई थी जाते वक्त ही, फिर मैं थोड़ा रिलैक्स थी। लेकिन कल से मेरी भी बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, मेरा आपको फेस से भी दिख रहा होगा कि मेरी भी तबीयत अंदर से सही नहीं है, और इसलिए मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, क्योंकि मैंने, हो सकता है तो मम्मी को मेरे घर आना पड़ सकता है, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है और मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है कि, मतलब कि जो कि मम्मी की देखभाल करे, क्योंकि दीदी है, मेरी बड़ी दी है जो कि पटना में रहती है, वही 2 महीने से मम्मी के पीछे लगी हुई है, और उनके घर में भी उनकी बेटी है, उनका भी एग्ज़ाम वगैरह है, और भी सबके घर में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, और उसको भी अब रहना, मतलब कि मम्मी के साथ 2 महीने रहना पॉसिबल नहीं हो रहा है। और पापा से अकेले कोई चीज़ होगा नहीं, मेरी एक छोटी बहन है तो उसकी भी वो आने वाली थी, अगर वो आ जाएगी तो मम्मी मेरे यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि उसकी भी सासू माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी। और मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं बच्चों को छोड़ के, हस्बैंड को छोड़ के मैं नहीं जा सकती, और मैं भी अभी बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ। और परसों मैं आई थी, मेरे साथ मेरी नंद भी आने वाली थी, पर उनका भी हेल्थ प्रॉब्लम है, वो भी, तो इस वजह से वो भी नहीं, वो मेरे ही घर आ गई हैं, तो हम लोगों ने उनको भी बुला लिया था, उनको भी थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम था,
तो उनको भी हम बुला लिए हैं। तो कल वो भी आई थी, वो आने वाली हम ही लोग के साथ थी, लेकिन जब वो मेडिसिन खा गई तो उनको खा लिया तो उनको नींद आ गई थी, तो जिसके कारण वो हम लोगों के साथ तो नहीं आ पाई थी, पर वो कल आई हैं। तो मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, और ऊपर से घर में गेस्ट आ जाने के बाद मैं वीडियो ना ही बना सकती थी, ना ही मैं वीडियो शूट कर पाती थी। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ, क्योंकि अगर मम्मी आ जाएगी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं वीडियोस बनाऊँ, एडिट करूँ, वीडियो पोस्ट करूँ, तो तब का पता नहीं कैसे मैं सब मैनेज करूँगी, क्योंकि सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है। आई नो मेरे हस्बैंड भी हैं तो जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट होता है कि अगर मम्मी आ भी जाएगी तो हम लोग सब मिलकर संभाल लेंगे, देख लेंगे, और उनको मतलब भी ठीक करना है, अब चाहे जो हो जाए उनको ठीक करना है। और क्या बोलूँ यार, बहुत बुरा लगता है जब आपको ये पता चलता है कि आपकी कि मम्मी के साथ ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जब बच्चों को कुछ होता है ना तो माँ का दिल टूटता है, और जब माँ को कुछ होता है ना तो यही सब अभी चल रहा है। अब मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा शायद मैं बोल नहीं पाऊँगी, तो आप लोग समझ लेना। और अगर वीडियो रेगुलर नहीं गए तो अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर मम्मी आ जाएगी मेरे पास तो मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो मेरी मम्मी होगी, क्योंकि वीडियोस वगैरह तो वो अलग चीज़ है, वो तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, चाहे मेरा चैनल का तो मतलब अभी मुझे कोई बात नहीं करना है, लेकिन पहले मेरी जो प्रायोरिटी होगी वो मेरी मम्मी होगी। ज़्यादातर मैं ब्लॉगिंग ही करूँगी इस सिचुएशन में, अगर मैं करूँगी तो, और दो दिन तीन दिन या फिर डेली मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करूँगी। तो यही मेरी लाइफ में फ़िलहाल चल रहे हैं, जो कि मैं सब कुछ साइड करके फिर भी मैं सोचती हूँ कि कम से कम यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे अगर मैं अगर वीडियोस बनाती हूँ या कुछ करती हूँ तो मेरा मम्मी की तरफ से थोड़ा सा ध्यान हट जाता है, और मैं खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो ये जो एक जर्नी होती है, अलग सी जर्नी होती है जिसमें मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, तो थोड़ा बहुत यहाँ से जो है मैं थोड़ा सा अलग हो जाती हूँ। और मैं कैमरे पे आके भी मैं इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं करना चाहती, मेरे अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं मम्मी के पास गई तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, और आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि मेरी लाइफ में भी कुछ इस टाइप का चल रहा है। तो यही सब है, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, बस मैं बोले जा रही हूँ। तो अब मैं भी इस वीडियो के यहीं पर एंड कर रही हूँ, लेकिन आप लोग भी दुआ करना मेरी मम्मी के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। प्लीज़ दुआ करना गाइस कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए, और उनको जो भी उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से ठीक हो जाए, और कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम न छुए, प्लीज़।